देश में दंगा भड़काऊ गैंग के नाम से मशहूर हो रहे पीएफआई पर एक बड़ी खबर। पीएफआई नेता की धमकी वाली स्पीच पर एक्शन हो गया है। पीएफआई नेता मतीन शेखानी समेत 31 लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मुंबई में मतीन शेखानी ने कल जुमे की नमाज के बाद भड़काऊ भाषण दिया था। लाउड स्पीकर विवाद को लेकर पीएफआई नेता ने धमकी दी थी। अब इस मामले में बिना मंजूरी तकरीर करने पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पीएफआई नेता की धमकी वाली स्पीच पर तो एक्शन हो गया, अब पीएफआई पर बैन लगाने की भी तैयारी हो रही है। गृह मंत्रालय के पास पीएफआई के खिलाफ कई सबूत हैं। एनआईए और आईबी से लेकर कई राज्यों की पुलिस तक ने अब तक पीएफआई के खिलाफ कई सारी रिपोर्ट सौंपे हैं, सबूत दिए हैं, डॉजियर दिए गए हैं। अब हम आपको पीएफआई के खिलाफ मिले एक सबूत के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे एक पीएफआई नेता ने लाउड स्पीकर मामले में खुलेआम धमकी दी। कुछ लोगों को भूंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, ये हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। पीएफआई की हेट स्पीच की नई फिल्म आई है, ना कानून का डर ना संविधान की फिक्र, खुलेआम सरेआम अंजाम भुगतने की धमकी। मुंबई पुलिस से भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने इस मेंटेन किया है लॉ ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भूंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस तरफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। जुबान से जहर उगल रहा ये नेता मुंबई में पीएफआई की मुंबरा यूनिट का अध्यक्ष है, नाम है मतीन शेखानी। जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा की गई और शुरू हो गई धार्मिक नारेबाजी। तकरीर की मंजूरी नहीं थी, फिर भी नहीं माना मतीन शेखानी और वो काम करने लगा जो पीएफआई की पहचान है। लाउड स्पीकर बहाना था, असली मकसद धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना था। आज आवाज उठाना, बात करना भी मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर दरगाह को जला दिया गया, पुलिस भी है, प्रशासन भी है, लेकिन एक भीड़ तंत्र के जरिए नंगी तलवारों को लेकर हजारों लोग रोडों पर निकलकर आ गए हैं, इनका क्या मकसद है? भड़काऊ भाषण का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मतीन शेखानी सहित 31 लोग आरोपी बनाए गए हैं। अब पुलिस मतीन शेखानी के भड़काऊ भाषण का पूरा टेप खंगाल रही है। पीएफआई के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। धमकी का वीडियो जबरदस्त वायरल है, अंजाम भुगतने की चेतावनी साफ साफ सुनाई दे रही है, लेकिन मतीन शेखानी ना तो अपने बयान को गलत मानते हैं और ना ही बिना मंजूरी तकरीर को गलत मानने के लिए तैयार हैं। ये शब्द आया कहां से कि छोड़ेंगे नहीं? शब्द ऐसा है कि वो जो बात आई है वो हमारा नारा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का क्या नारा है कि हम किसी को भी छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं है। इसका मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि हम एग्रेसिवली है, अगर कोई आता है तो उसको एग्रेसिवली हम जवाब देंगे या कानून को हमारे हाथ में ले लेंगे। हम जवाब देने का या छोड़ेंगे नहीं का मतलब ये भी होता है कि हम कानूनी दायरे में, जो मैंने कहा है, आप पूरी स्पीच पढ़िए सुनिए, उस पूरी स्पीच में मैंने कहा है कि आप कानूनी तरीके से डेमोक्रेटिक जो संघर्ष है वो हम करेंगे और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो किताब दी है उस किताब के दायरे में रहते हुए हम आगे का काम करेंगे। उसमें गलत क्या है? अगर कोई आकर आपकी मस्जिद के ऊपर, जो दरगाहों के ऊपर, खानकाहों के ऊपर अगर कोई जबरन अटैक कर देता है
तो हम उसके अंदर जो कानून हमको इजाज़त दे रहा है और पुलिस का काम है वो पुलिस प्रोटेक्शन देना या जो भी पुलिस के जरिए से और राज्य सरकार का जो काम है वो राज्य सरकारें करेंगी। आपने एप्लीकेशन दिया था, उन्होंने रिसीव किया था, ये अब रिसीव करना और इजाज़त देने में फ़र्क है, तो क्या आपके ऊपर इसलिए आपके ऊपर केस दर्ज किया गया है? केस जो भी दर्ज किया है मुझे उसके बारे में अभी ज़्यादा मालूमात नहीं है, कुछ केस दर्ज हुआ है आप जैसे पत्रकारों से ही मुझे पता चला है। पूरे इंडिया के अंदर में जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उसका परमिशन पुलिस नहीं देती है ऑफिशियली। अभी 700 किसानों ने शहादत दे दिए, दिल्ली के अंदर में इतने हज़ारों लोग शहादत वो किसान लोग बैठे थे, वो प्रोटेस्ट के लिए इजाज़त लेके नहीं बैठे थे, उन्होंने अपनी मांग रखी, प्रोटेस्ट किया है उन्होंने, उसके लिए कोई ऑफिशियली कोई पुलिस परमिशन नहीं देती है। अब मुंबई में जिस इलाके में मतीन शेखानी ने धमकी वाली स्पीच दी वहां क्या क्या हुआ, पुलिस अब क्या कर रही है, हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह की एक डिटेल रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंब्रा के अमृत नगर के दारुल फलाह मस्जिद के बाहर और ये दारुल फलाह मस्जिद है जहां पर जुमे की नमाज हुई थी। जुमे की नमाज के बाद काफी नमाजी इस मस्जिद से बाहर निकले और पीएफआई के जो मुंब्रा के अध्यक्ष अब्दुल मतीन शेखानी वो इसी जगह पर जहां पर हम खड़े हैं यहीं पर एक तकरीर उन्होंने की। हम झंडे देख सकते हैं, पीएफआई के झंडे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के झंडे यहां पर लगे हुए थे। यहां के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि करीब 400 से 500 लोग यहां पर जमा हो गए थे और यहीं पर अब्दुल मतीन शेखानी ने अपना बयान दिया, भाषण दिया, तकरीर की और उन्होंने राज ठाकरे जिस तरीके से मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर नहीं हटेगा, मस्जिद हो या मदरसा हो, लाउड स्पीकर हटाने की बात जिसने की उसके साथ में सीधी जो है लड़ाई पीएफआई की होगी, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये वाली जो बयान है इस बयान पर मुंब्रा पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 और अलग अलग अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सामने की सड़क जो है यहाँ तक लोग उस वक्त मौजूद थे और ट्रैफिक भी लग गया था, 400-500 लोग थे और करीब आधे घंटे तक ये पूरी तकरीर चली थी। मुंब्रा पुलिस थाने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया था, उसमें बताया गया था कि यहाँ पर तकरीर होनी है, लेकिन मुंब्रा पुलिस ने जो यहाँ से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है वहाँ से इन्हें मंजूरी नहीं मिली थी, इस तकरीर के लिए परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये तकरीर यहाँ पर आयोजित की गई और इसमें भड़काऊ बयान दिए गए जो पुलिस स्टेशन के FIR में दर्ज है। लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज के खिलाफ पीएफआई ने कल देश भर में प्रदर्शन की कॉल दी थी। जयपुर में भी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नारे लगाए गए, दिखाते हैं आपको। पीएफआई की भड़काऊ स्पीच आपने सुनी, अब आपको पीएफआई का एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसे खुद पीएफआई ने जारी किया है। इस वीडियो में पीएफआई मुसलमानों को सरकार के खिलाफ भड़का रही है। आपकी जकात का एक हिस्सा जिससे हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है। प्यारे भाइयों और बहनों, रमजान वो मौका होता है जब पॉपुलर फ्रंट जकात व सदकात वसूल करने के लिए लोगों के बीच जाती है। ये हमारे अगले पूरे एक साल की तकवियती व फास्तायत मुखालिस सरगर्मियों के लिए ईंधन का काम करता है। बीजेपी चाहती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को माली एतबार से तोड़ कर रख दिया जाए। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसियों को तंजीम के पीछे लगाया बल्कि आपके खून पसीने से कमाए हुए पैसे जो आप पॉपुलर फ्रंट को देते हैं उसे विदेशी फंड बताकर बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश भी की। देश में साजिश पर साजिश रच रही पीएफआई के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। केंद्र सरकार पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी में है। बैन लगाने का ऐलान कभी भी हो सकता है। पीएफआई के खिलाफ गृह मंत्रालय को कई सबूत मिले हैं। इन सबूतों के आधार पर केंद्र सरकार पीएफआई पर जल्द बैन लगा सकती है। आपको बता दें ऐसे कई सारे सबूत हैं, डॉजियर हैं जो केंद्र सरकार
को सौंपे गए हैं, गृह मंत्रालय को सौंपे गए हैं। ऐसे में जो राज्य सरकारों की ओर से भी भेजे गए सबूत है उस पर अब केंद्र सरकार कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। अब पीएफआई पर बैन क्यों लग सकता है ये जानना और समझना भी बहुत जरूरी है, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। गृह मंत्रालय को एनआईए ने सबूतों का एक डॉसियर दिया है, आईबी ने भी गृह मंत्रालय को सबूतों का डॉसियर दिया है, कई राज्यों की पुलिस ने भी गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजी है। पुलिस की रिपोर्ट में पीएफआई की उन्मादी गतिविधियों की डिटेल शामिल है। इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि पीएफआई सिमी के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। मुसलमानों में कट्टरता फैलाने के सबूत भी मिले हैं, विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के भी सबूत इसमें पाए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि पीएफआई के खिलाफ किस किस राज्य में क्या क्या सबूत मिले हैं, और सबसे पहले बात केरल की कर लेते हैं। केरल में लव जिहाद के केस में पीएफआई का नाम आया और सबूत भी मिले, गृह मंत्रालय के पास काफी सबूत हैं। आपको जानकारी दे दें, एनआईए ने सबूतों का एक पूरा डॉसियर केंद्र को सुपुर्द किया है, आईबी ने भी सबूतों का डॉसियर दिया है। 2 साल पहले दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें भी पीएफआई के खिलाफ पूरे प्रूफ मिले हैं। पीएफआई के नेता मुख्य साजिशकर्ता थे। यूपी में सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई उसमें भी पीएफआई के खिलाफ प्रूफ मिले हैं। कर्नाटक में कुछ दिनों पहले शुरू हुई हिजाब कंट्रोवर्सी के पीछे भी पीएफआई की साजिश थी और इसमें कोई शक नहीं रह गया। और कुछ दिनों पहले राजस्थान के करौली में हुई हिंसा में भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन जो हिंसा हुई, आगजनी हुई, उसमें भी पीएफआई की साजिश शामिल थी। रामनवमी के दिन झारखंड के लोहरदगा में भी हिंसा हुई। दिल्ली के दंगे की साजिश रचने के भी सबूत हैं, पीएफआई के खिलाफ जाते हैं। दिल्ली दंगे में गिरफ्तार मुख्य साजिशकर्ता भी पीएफआई के ही सदस्य थे। सीए प्रोटेस्ट के दौरान जो हिंसा फैलाई गई उसके भी सबूत पीएफआई के खिलाफ जाते हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद में शामिल होने के, पीएफआई के स्टूडेंट विंग के भी शामिल होने के सबूत मिले हैं। करौली में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के लिंक सामने आए हैं। अब 2006 में पीएफआई का गठन हुआ था, यह आपको जानकारी दे दे। पीएफआई 2006 में गठित की गई, मुसलमानों के मुद्दे उठाने के लिए संगठन तैयार किया गया। सिमी पर बैन के बाद इसका गठन हुआ, 23 राज्यों तक इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। सवालों के घेरे में पीएफआई की गतिविधियां हैं और सिमी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का पीएफआई पर आरोप लगता है और इसलिए अब इसे बैन करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।